बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, 1 मई से 2024 गुरु महाराज आपकी कुंडली में परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु का परिवर्तन बड़ा परिवर्तन होता है, साल में एक बार गुरु महाराज अपनी स्थिति चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इस समय वो वृषभ राशि पे परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनकी जो पांचवी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, नौवीं दृष्टि है, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण योग लेके आई है। साथ ही साथ गुरु महाराज कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा कारक तत्व गुरु महाराज के पास होता है, चाहे आपकी शिक्षा का प्रमाण हो, स्वास्थ्य का हो, या प्रेम प्रसंग का हो, आर्थिक व्यवस्था की हो, हर जगह पर गुरु की ही चलती है। तो गुरु आपके कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या बदलाव लेके आएंगे, साथ ही साथ गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए आपके लिए क्या खास उपाय है, वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, गुरु महाराज 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक आपके कुंडली के सप्तम भाव में बने रहेंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, कुंडली के सप्तम भाव पे गुरु महाराज परिवर्तन होके बैठ रहे हैं, वृषभ राशि पर स्थित हैं। यहां से गुरु महाराज स्त्री पक्ष को थोड़ी बेचैनी के बाद आपको शांति मिलेगी। बात विवाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ उतल पुतल शुरुआती तौर से आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से गुरु महाराज की जो पांचवी दृष्टि है, वो आपके कुंडली के एकादश भाव पे पड़ रहा है। एकादश भाव जो आपके लाभ का भाव है, जहां से आपके उद्देश्य देखे जाते हैं, गोल देखे जाते हैं, अतिरिक्त कमाई देखी जाती है, जहां के कारक तत्व शनि महाराज है। यहां पर गुरु महाराज शत्रु के दृष्टि से कुंडली के एकादश भाव को देखेंगे, लेकिन यहां पे आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। यहां पर आपके लाभ के प्रमाण में वृद्धि देखने की मिलेगी। ये आने वाला साल आपके लिए बचत का साल होगा, लाभ का होगा। यदि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं पहले से, वहां से आपको अचानक लाभ की प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो ये साल आपको निश्चित ही पैसा आपका धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगा 1 मई के बाद से। गुरु महाराज की जो सातवीं दृष्टि है, वो आपके कुंडली के लग्न के भाव पे पड़ रहा है। लग्न के जहां से आपका तन देखा जाता है, आत्मसम्मान, मान प्रतिष्ठा, आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, जहां से आपकी सुंदरता देखी जाती है, यहां से गुरु महाराज आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। यदि आपको कोई पुराना रोग है, उससे आपको मुक्त कर रहे हैं। यहां पे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में गुरु महाराज वृद्धि कर रहे हैं। गुरु महाराज लग्न के ऊपर अपनी करुणामयी दृष्टि बरसा रहे हैं, क्योंकि वहां के कारक देव सूर्य महाराज हैं, और जो गुरु महाराज के मित्र के भाव से जाने जाते हैं कुंडली में। तो यहां से आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा, यहां से आपकी सुंदरता में वृद्धि होगा। यदि आपके सुंदरता में कोई कमी थी, तो यहां से आपके चेहरे पे चमक बढ़ने जा रही है। गुरु महाराज की जो नौवीं दृष्टि है, वो आपके कुंडली के तृतीय भाव पे पड़ रहा है। तीसरा भाव जो होता है, वो आपके भाई का होता है, कुटुंब का होता है, जहां से आपके बाग बगीचे ये सारी चीजें देखी जाती है, जहां से आपका साहस देखा जाता है, वीरता देखी जाती है, जहाँ के कारक देव मंगल महाराज है। यहाँ पर गुरु महाराज आपके उत्साह में कमी करेंगे। यहाँ से आपके भाई बहन के साथ थोड़ी सी बिगाड़ होगी आपके लिए, तो यहाँ पर आपके गुरु महाराज थोड़े से गलत रिजल्ट दे रहे हैं। भाई बहन के साथ आपका बिगाड़ होगा, उत्साह में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन आपके शौर्यता में वृद्धि होगी। यहाँ से आपके वीरता में, शौर्यता में वृद्धि होगी, लेकिन उत्साह थोड़ी सी
कमी जरूर आएगी, लेकिन जैसे उत्साह आएगा आपका बल 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। कोई भी कार्य आप जुझारूपन से करोगे। ये साल आपके लिए अधिकतम देखा जाए तो 90% तक सही रहने वाला है, 10% तक गुरु महाराज आपको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। तो गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए गुरु महाराज को जो सबसे प्यारा मंत्र है, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, आप इस मंत्र का हर गुरुवार के दिन जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप हर दिन पीला तिलक लगाते हैं तो भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोतम का पाठ करते हैं या आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं, चाहे दाल हो, कपड़ा हो या नमकीन हो, ये सारी चीज़ें यदि आप दान करते हैं यथाशक्ति, तो निश्चित ही आपके कुंडली के जो गुरु हैं मजबूत हो जाएंगे। यदि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोतम का पाठ करते हैं, श्री सुक्तम का पाठ करते हैं, कनक धारा स्त्रोतम का पाठ करते हैं, तो भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आप श्री हरि का जाप करते हैं तो भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं मजबूत हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, यथाशक्ति जिसे करने में आप सक्षम हैं वही उपाय करिएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।